नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन छोटी इलायची का उपयोग और कुछ उपाय करने से रुपयों पैसों की दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कौन से हैं वे उपाय, आइए जानते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी को 5 छोटी इलायची चढ़ाएं। अब पूजन के बाद उन्हें एक लाल रंग के कागज या रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख लें। आप अपने पर्स में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वह चेन लगा हो, मतलब कि वहाँ से वो दिखता नहीं हो, मतलब ऐसा रखना है, उसे छिपा करके आपको रख लेना है पर्स के अंदर। आपकी पॉकेट हमेशा रुपयों से भरी रहेगी। अगर आप अपनी आर्थिक परेशानियों से, आर्थिक स्थितियों को परेशान हैं, उन्हें सुधारना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद या किन्नर को 1 रुपये का सिक्का दान में ज़रूर दें। इससे आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। जो लोग सुंदर और सुशील जीवन साथी की इच्छा रखते हैं, उन्हें शुक्रवार की सुबह को 5 छोटी इलायची, हरे रंग की इलायची को वस्त्र में बांधकर किसी भी गरीब को दान में देना चाहिए। अगर वस्त्र में ना बांधना हो तो लाल कलर के कागज की पुड़िया में बांधकर उन्हें दान में दें। इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी और सुंदर सुशील जीवन साथी आपको तुरंत मिलेगा। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार को 1 जग पानी में 2 बड़ी इलायची डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे अपने नहाने के पानी में मिला करके स्नान करें। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर किसी को नौकरी संबंधी परेशानियां हैं, नौकरी में पदोन्नति या व्यवसाय में मुनाफा पाने के लिए रात को सोने से पहले 1 छोटी इलायची हरे रंग के कपड़े में बांध लें। अब उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। इसके बाद सुबह वह इलायची उठाएं और किसी भी जाकर के व्यक्ति को दे दें। ऐसे ही चलते फिरते व्यक्ति को या फिर आपके दोस्त मित्र को, आप पड़ोसी को भी दे सकते हैं खाने को। इससे आपका काम बन जाएगा और तुरंत ही आपके नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए 1 छोटी इलायची दूध में उबाल लें और इसे 7 सोमवार किसी भी गरीब को पिलाएं, या फिर किसी बच्चे को भी आप पिला सकते हैं, मिल्क शेक बनाकर पिला सकते हैं। बस वो इलायची आपको उसमें डालनी है। इससे आपको सफलता मिलेगी। जो लोग मनचाहा पार्टनर चाहते हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन अपनी जेब में इलायची रखना चाहिए। इससे आपको आकर्षण बढ़ेगा और आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी की तलाश में जाते हैं लेकिन वहां से निराशा ही हाथ लगती है, तो आप यह उपाय आज ही अपनाएं। अगर आप कहीं नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो जाने से पहले आप 1 इलायची को अपने मुंह में रखें, उसे चूसते रहें और 1 इलायची आपकी जेब में रखें। हरे कलर की इलायची होनी चाहिए। वह इलायची तब तक आप न चबाएं तब तक आप कोई नौकरी ना लग जाए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए या फिर कहीं भी जॉब ढूंढने जा रहे हैं, वहां पर आप घर से निकलने से पहले ही उस इलायची को मुंह में रखना है और वहां जा करके आपको उस इलायची को वहां से बाहर आते समय ही खाना है। मतलब इंटरव्यू दे लेंगे, उसके बाद ही उसको आपको खाना है। तब तक आपके मुँह में वह इलायची रहनी चाहिए। इंटरव्यू देने के बाद या नौकरी मिल जाने के बाद ही आप उसे चबाएं, तुरंत आपको नौकरी मिलेगी। अंदर जाकर आपका काम जरूर ही बनेगा। अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आप रेंटेड मकान में रह रहे हैं, आपकी इच्छा है अपना खुद का मकान बनाने की, तो आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन आप 1 रुपये का सिक्का और 2 इलायची लेकर के जमीन में गड़ा दें। आप घर के गमले में भी उसे गड़ा सकते हैं या फिर आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर बाहर थोड़ा सा गड्ढा खोदें और मिट्टी में उसे गड़ा दें। इससे आपके काम तुरंत ही बनने लगेंगे और आपका मकान तुरंत ही बन करके रेडी हो जाएगा। आपको देरी नहीं लगेगी, 6 महीने के अंदर आपके मकान की तैयारी हो जाएगी। आप यह उपाय जरूर करके देखें। धन प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको तिजोरी में थोड़ी इलायची रखना है। थोड़ी मतलब 7 या 5 इलायची आप
लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। अब शुक्रवार को इन्हें बदलकर नई इलायची रखें, मतलब कि हर शुक्रवार नई इलायची रखना है। पुरानी इलायची का आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 शुक्रवार तक करना है। लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। आपके घर में तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, आपकी जेब भी हमेशा भरी रहेगी। हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो अधिकतर लोगों को पसंद भी आते हैं और उनके जीवन में सिद्ध भी होते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में आजमाएं, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ऐसे ही कई उपायों के साथ हम आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी।